दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS रुद्रपुर में खोलने जा रही है अपनी नई शाखा। वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। स्थायी न करने पर रुद्रपुर में नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। रुद्रपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS स्कूल की शाखा खोलने जा रही है। इस स्कूल में तैनात होने वाले शिक्षकों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण DPS सोसाइटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी जीनत कादर द्वारा दिया गया। इसमें शिक्षकों को बताया गया कि किस तरह बच्चों को खेल खेल में अच्छी शिक्षा दी जा सकती है और आज के समाज के बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि DPS स्कूल रुद्रपुर में अपनी पहली शाखा खोलने जा रही है जो रुद्रपुर क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर मिसाल कायम करेगा। हमारा ये पहला विजिट है रुद्रपुर में और टीचर्स जो रुद्रपुर में आई हैं वो ज़्यादातर इसी एरिया की हैं, कुछ हल्द्वानी की हैं, कुछ रुद्रपुर के हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस वाली टीचर्स हैं। मैं जब पल आई थी यहाँ, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि टीचर्स हैं अलग, इनमें इच्छा है और डेडिकेशन कमिटमेंट है, वो मैंने एहसास किया। और कल इनकी एक दो सेशन हमारे साथ हुई थी जिसमें हमने उनसे पूछा था आप कैसा पढ़ाती, तो एक आध टीचर्स जो बताई थी वो सचमुच बहुत अच्छा था कि बच्चे कैसे समझते हैं, खाली लेक्चर से नहीं समझते, वो खेल के थ्रू म्यूज़िक के थ्रू समझते हैं, जो टीचर्स जानती थी। और सीनियर टीचर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, उन्होंने कंप्यूटर्स का जो सेशन लिया और जो लिख कर दिखाए थे। मेरी उम्मीद तो है कि DPS रुद्रपुर बहुत आगे जाएगा। जो आजकल हम देखते हैं बड़ों की आदर करना बच्चे नहीं जानते हैं या भूल गए हैं जो हमारी सभ्यता में थी, तो हमारा ये प्रथम यही शिक्षा है कि बच्चों को ये सिखाए कि बड़े बड़े होते हैं, उनका कहना माने और हम एज टीचर उनके दिमाग में क्या होता है वो सुन। कार्यशालाएं तो पहले भी हम लोगों ने बहुत सारी अटेंड की लेकिन ये कार्यशाला शायद अपने आप में अद्भुत थी। इसमें शिक्षण की जो प्रणाली सिखाई गई हम लोगों को और खेल खेल में बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान से लाभान्वित कराने की जो शिक्षा दी गई वो अद्वितीय है। इससे पहले मैंने ऐसी किसी कार्यशाला में किसी भाग नहीं लिया था और ये प्रतिभाग जीवन भर मेरे शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाएगा। और DPS के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ये अद्वितीय अद्भुत आनंद देने वाला कार्यशाला सिद्ध होगी। रुद्रपुर में नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं जिस कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से 82 सफाई कर्मियों को स्थायी करने का जियो आया है पर नगर निगम के अधिकारी ढुलमुल रवैया अख्तियार किए हुए हैं। कई बार अधिकारियों से इस विषय में बात भी की गई परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि उसी जियो पर काशीपुर में संविदा कर्मियों को स्थायी कर दिया गया है। नगर निगम संविदा कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उत्तराखंड शासन ने एक जियो पारित किया था जिसमें कि सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण करना था और वो आज तक नियमितीकरण का लेटर हमें नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर के आज तक हम जो 2 तारीख से लेकर आज 16 तारीख हो चुकी है, तब से लेकर सफाई कार्य का बहिष्कार चल रहा था और 14 तारीख से लेकर और आज पूरी तरह से सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। हमारे प्रशासन से यही मांग है कि हमें लेटर मिलना चाहिए, जैसे कि काशीपुर में लेटर मिल चुका है, 2 महीने की सैलरी भी मिल चुकी है। हमारी एक ही मांग है कि हमें लेटर मिलना चाहिए, बस अब प्रशासन से यही मांगे। नहीं मिलता तो जब तक हमें लेटर नहीं मिलता तो हमारा आंदोलन चालू रहेगा, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, चाहे साल लगे। 2 तारीख से लेकर आज 16 तारीख हो चुकी है, तब से हम हड़ताल पर ही हैं।
उधम सिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण में मुआवजे में 118 करोड़ के घोटाले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर सिटकुल चौकी पुलिस ही मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर इसकी जांच एसआईटी को सौंप दी जाएगी। 1 मार्च को कुमाऊं आयुक्त डी सेंथिल पांडेयन के दौरे के बाद 118 करोड़ रुपए के मुआवजे घोटाले की बात कही थी। जिला प्रशासन पूरी तरह से इसकी जांच के लिए हरकत में आ गया। डीएम के निर्देश के बाद पूरा जिला प्रशासन जांच में लग गया था। दस्तावेज एकत्र करने प्रारंभ हो गए थे। उसके बाद एडीएम प्रताप शाह ने एनएचएआई परियोजना निदेशक, एसडीएम कार्यालय कर्मी, तहसीलदार सहित चकबंदी कर्मियों की मिलीभगत को दर्शाते हुए सिटकुल चौकी में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के एसएसपी सैंथिल अबुदई ने बताया कि मामला गंभीर है, इसलिए प्रारंभिक जांच के बाद एसआईटी टीम को सौंप दिया जाएगा। देखिए, इस समय हमने सभी जो है एसएलओ कार्यालय और तहसील कार्यालय में इसमें जो एनएच से संबंधित सभी पत्रावलियों का जो है हम लोग अभी परीक्षण कर रहे हैं। इस संबंध में एक डिटेल जो है हम लोग रिपोर्ट भी जो है इसकी हम बढ़ा रहे हैं। अभी हम आगे जो समिति पूरी समिति हम बैठ के अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी भी हम कार्रवाई गतिमान है। आपको बता रहा हूँ, इस समय जो है जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है और काश्तकार मेनली, तो जो सबसे इसमें ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी तो काश्तकार है। जो भी पैसा गया काश्तकार के खाते में गया, फिर उसी में जो है उनके वहाँ इस तरह का जो अना उसमें जो है इलीगल तरीके से उनको लाभ पहुँचाने के लिए जिन जो भी लोगों ने मदद किया है, सरकारी सिस्टम से हो या रेवेन्यू से हो या कोई एनएचए से हो, सबके खिलाफ इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पर बैठ के सारे पेपर्स हम चेक कर रहे हैं क्या है। वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री 18 मार्च को देहरादून परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण करेंगे। 18 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को शपथ ग्रहण करने को राज्यपाल केके पॉल ने आमंत्रित किया। राज्यपाल से भाजपा का प्रतिनिधि मंडल मिला और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम सीएम पद के लिए मनोनीत किया गया, जिसके बाद राज्यपाल केके पॉल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के 90वें सीएम होंगे, जो 56 वर्ष के हैं, जो डोईवाला से विधायक भी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2007 से 2012 तक कृषि मंत्री पद पर रहे। त्रिवेंद्र रावत निशंक और खंडूरी के समय में भी मंत्री रहे। रावत झारखंड के प्रभारी भी रहे और झारखंड में जीत दिलाई।